नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वाराणसी केंद्र रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के तहत जो काम चल रहे हैं उसको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम लोग जो है केंद्र रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के ऊपर हैं और ये आपका जो सबसे पुराना वाला जो फुट ओवर ब्रिज है वो है, और ये आपका जैसे दिखा रहा था बोर्ड, दो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने का रास्ता। तो आपको ऊपर से थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या काम चल रहा है ये यहाँ से। तो आपको जो इधर है अभी ट्रेनों का आवागमन जो है बंद किया गया है और इस पर पूरा काम चल रहा है। आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 है बाएं साइड में, और अभी हम लोग आपका जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के पास जो काम चल रहा है यार्ड रीमॉडलिंग के तहत उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इधर देख रहे हैं, ये मिट्टी उट्टी बिछाया जा रहा है आपको ट्रैक्टर की मदद से, और उधर भी कुछ काम हुआ है उसको आपको दिखाएंगे वहाँ पर जा कर के। ये देखिए ट्रेन गुजरती हुई। तो आपको देखिए तो इस समय जो है वाराणसी केंद्र रेलवे स्टेशन पर बहुत सी ट्रेनें जो है रुक नहीं रही है, और कुछ ट्रेनों को आपको देखिए तो कैंसिल भी किया गया है, और बहुत सी ट्रेनें जो है उनको देखिए तो दूसरे स्टेशनों से भी चलाया जा रहा है। तो ये अभी हम लोग जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है, देखिए यहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई है। तो देख रहे हैं कुछ कुछ काम चल रहा है, आपको आगे दिखाते हैं पूरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 3 पे जो काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। तो असुविधा तो हो रही है लेकिन आपको जो है ये करना बहुत ज़रूरी था। और ये देखिए आपका हम लोग जो नया प्लेटफॉर्म है आइलैंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 उस पर है। उधर देखिए आपका पूरा निर्माण हो चुका है, आपको चलिए उस पार ले जा कर के क्या काम चल रहा है वो दिखाते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपकी बहुत से ट्रेनें जो है आपका शिवपुर हो गया, बनारस रेलवे स्टेशन यानी मोडवाडी, लोहता और काशी, इन 4 जो आपका स्टेशन है उनसे बहुत सी ट्रेनों को चलाया जा रहा है जो आपका कैंट से चलती थी या कैंट से होकर गुजरती थी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका बड़का काना वाराणसी जो इंटरसिटी है आपका दोपहर 2:30 बजे अब लोहता स्टेशन से चल रही है। तो इसी तरह का अगर आपको कहीं कभी यात्रा करना है तो आप लोग पूरी जानकारी जुटा कर ही आएँ। और ये आपका यार्ड रीमॉडलिंग का जो काम है 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 का काम स्टार्ट हुआ और इसको आपको देखिए तो 45 दिनों तक ये काम चलेगा, और इसको आपको मेरे ख्याल से 4 चरणों में इसको बांट करके काम किया जा रहा है। पहला चरण आपका 1 सितंबर से 11 सितंबर तक काम होगा, और अभी आपका जो ये सोमवार था यानी पिछले दिन वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर भी काम स्टार्ट हो गया है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। बाकी आप पूरा लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये तो इधर आपका जो ये दो प्लेटफॉर्म है ये पूरा पूरी तरह से मतलब इस पर आवागमन अभी बंद है ट्रेनों का, और 6 और 7 पे भी। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करके फिर इसमें जो देखिए तो आपका पूरा पटरी हटा करके एकदम सही नया पटरी एक तरह से लगाया जा रहा है, और भी बहुत से काम इसमें चल रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इंक्रीज की जा रही है, चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है। आपको फ्यूचर को देखते हुए आपका जो ट्रैफिक कैंट रेलवे स्टेशन पे आ रहा है भीड़ भाड़ को देखते हुए ये काम कराए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनने वाला है, तो उसी को लेकर के पूरा शहर जो है उसको एकोमोडेट करने के लिए मतलब जो भीड़ आएगा, जो दर्शक लोग आएंगे, जो श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, तो मेन आपका ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो इसको एकदम आधुनिक तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। और वाराणसी रोपवे भी आपका यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए ये देख रहे हैं पूरा ये काम चल रहा है। तो काम का जो समीक्षा है आपका अधिकारी लोग है कर रहे हैं, और उनके अनुसार देखिए तो जैसे न्यूज में मैंने सुना था कि जो कार्य है वो संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है।
जैसा मैंने बताया कि 11 सितंबर को प्रथम चरण का काम पूरा होगा, पूरा एकदम मशीनें जो एकदम लगी हुई हैं, तो लगातार आपका मतलब जो जिनका जो काम है सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, इंजीनियर लोग अपना काम कर रहे हैं, सिग्नल वाले हो गए, मतलब हर विभाग जो है रेलवे का मिलकर के काम कर रहा है। ये देखिए चलिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 वाला जो काम चल रहा है ये देखिए, एकदम हम लोग बाहर हैं आउटर साइड पे, देखिए तो आपका जो आइलैंड प्लेटफॉर्म के सामने यहाँ पे आपका ये देखिए ये पटरी हटा करके यहाँ पे काम चल रहा है। ये यहाँ पे आपका देखिए तो कुछ निर्माण था उसको ये तोड़ा गया है, इसमें जो है जो रेलवे लाइन उसको सीधा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा घुमाव है आप देखिए तो, और जिस वजह से ट्रेनों की रफ्तार एकदम धीरे रहती है, तो उसको तेज करने के लिए आपका यह रिमॉडलिंग किया जा रहा है। यह आपका दाएं साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और बाएं साइड आपका देखिए तो प्लेटफॉर्म नंबर ये 7 है। तो अभी फ़िलहाल जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उस पर पूरा आवागमन बंद है, आगे आपको दिखाता हूँ पूरा खुदाई की गई है। ये देखिए अब हम लोग दूसरे छोर पर आ चुके हैं, आपका जो नया वाला फुटओवर ब्रिज है वो उसी का देखिए सीढ़ी है, देख रहे हैं पूरा किस तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए ये नया वाला फुटओवर ब्रिज है, काफ़ी चौड़ा है और इसका भी उद्घाटन हो चुका है, ये लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब जो लिफ्ट बनाने का काम चल रहा है ये देख रहे हैं, ये पूरा प्लेटफॉर्म ये तोड़ दिया गया है और ग्रीन कपड़े से ढका गया है जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो जो बगल वाले प्लेटफॉर्म है उन पे। तो दोस्तों वीडियो में आप काम देखकर बता सकते हैं कि इस तरह का आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस पर कुछ अपडेट आएगा जब कुछ कंप्लीशन की तरफ चलेगा तो आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।